Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's lecture, I'm going to discuss about the top vitamin D sources. Okay, so यहाँ हम discuss करेंगे vitamin D के vegetarian sources. Vegetarian sources हम discuss करेंगे. तो देखिए vegetarian sources vitamin D के कौन कौन से हैं. उससे पहले हम जानते हैं कि vitamin D की कितनी daily requirement है. तो यहाँ हमने एज दी हुई है मेल एंड फीमेल एंड देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. तो जनरली देखिए जो बच्चे होते हैं उनमें 10 टू 15 माइक्रोग्राम का चाहिए डेली रिक्वायरमेंट, मेल हो चाहे फीमेल हो. अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर्स को 15 माइक्रोग्राम चाहिए और अडल्ट्स को भी जो है 15 माइक्रोग्राम चाहिए. और यहाँ पर जो 70 ईयर्स से मोर देन एज जो है उनको 20 माइक्रोग्राम चाहिए डेली रिक्वायरमेंट. देखिए विटामिन डी से कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं, विटामिन डी की अगर हमारे डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे. जनरली विटामिन डी के लिए बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, तो उनमें से क्या हो गया, रिकेट्स हो जाता है जिसमें कि बोन डिफॉर्मेट हो जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में काफ़ी हो जाता है. कैंसर, काफ़ी तरह के कैंसर का खतरा भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ. देन डिप्रेशन एज वेल एज इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है. हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी विटामिन डी से आई, अभी स्टडी से पता चला है. वुंड हीलिंग भी, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी. देन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में आर्टेरियल स्टफनिंग हो जाएगी. देखिए जो एथेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो आर्टरीज जो है पत्थर जैसी हो जाएंगी. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरलिपिडीमिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड स्किन पिगमेंटेशन, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो विटामिन डी से हो सकती हैं. तो आइए देखते हैं विटामिन डी के कौन कौन से सोर्सेज हैं. तो देखिए सबसे इजी जो सोर्स है वो क्या है, सनलाइट. तो हमें जनरली थोड़ी सी जो हल्की मध्यम धूप होती है उसमें 10 से 30 मिनट धूप में खड़ा होना चाहिए. सनलाइट किस तरह से हमें विटामिन डी बनाती है हमारी बॉडी में वो देखिए. एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम सनलाइट में जाते हैं, सूर्य की रोशनी में जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, सनलाइट में यूवी लाइट्स होती हैं. यूवी लाइट क्या करती हैं, यूवी लाइट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करा देती हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस तरह से बॉडी में विटामिन डी बन जाएगा तो वही हमारे लिए काफी होगा. तो सनलाइट सबसे बेस्ट सोर्स है. तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको ध्यान देना है कि जो सनलाइट है वो बहुत शार्प सनलाइट ना हो, बहुत हल्की मध्यम सनलाइट हो. जैसे सुबह सुबह की जो रोशनी होती है वो सनलाइट विटामिन डी बनाने में काफी काम आए. देन मिल्क जो है हमारा सोर्स हो गया मिल्क. अब देखिए अलग अलग तरह के हमारे पास में मिल्क है. तो देखिए यहाँ पर जैसे काउ मिल्क हो गया, और इसके अलावा गोट और शिप मिल्क हो गया, और बफेलो मिल्क हो गया. अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी आप देख लीजिए काउ मिल्क के अंदर 127 से लेकर 98 इंटरनेशनल यूनिट के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है. ओके, और अगर हम गोट मिल्क में देखें तो ये 29 इंटरनेशनल यूनिट है. क्लियर, तो काउ मिल्क में अच्छा अमाउंट में है. तो हमें जनरली काउ मिल्क अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी में हमें फायदा होगा. तो ये सारा डाटा जो मैंने, ये सोर्स जो है वो आपको शो किया हुआ यहीं से लिया है. देन चीज, देखिए ये भी मिल्क का ही प्रोडक्ट है. तो चीज में आप देखिए अलग अलग तरह के हमारे पास में चीज है. तो यहाँ पर देखिए विटामिन डी जो हमें स्विस चीज से मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए विटामिन डी हमें स्विस चीज से मिल रहा है, और छेदार चीज से भी विटामिन डी हमें मिल रहा है. तो इन दोनों ही क्वालिटी के अगर हम चीज यूज करेंगे तो उससे भी हमें विटामिन डी मिल जाएगा. ये परसेंटेज डेविएशन वैल्यू दी हुई है पर 100 ग्राम में. सोया मिल्क देखिए, सोया मिल्क, मिल्क के ही में ही अलग अलग तरह का मिल्क हम बनाते हैं. जैसे सोया मिल्क बना लिया, इसके अलावा हमें एलमंड मिल्क बना लिया, और हमारे ओट मिल्क हम बना लें. तो जैसे काउ मिल्क है और सोया मिल्क, एलमंड मिल्क और ओट मिल्क है, तो इसमें देखिए विटामिन डी कितना होता है. जैसे काउ मिल्क में आपको बता ही चुका हूँ कि 124 इंटरनेशनल यूनिट है इसमें, सोया मिल्क में 119 इंटरनेशनल यूनिट, और अलमंड मिल्क के अंदर 110, और ऑट मिल्क जो है उसमें 114 है. तो मिल्क में अगर हम इस तरह की चीजें हम मिला लेंगे और उसको मीठा नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमें अच्छी अमाउंट में जो है विटामिन डी मिल जाएगा. एंड देखिए मशरूम, मशरूम को कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन सोर्स में भी मानते हैं और कुछ लोग जो है वेजिटेरियन सोर्स में भी मानते हैं. तो मशरूम जो है, अलग अलग तरह का मशरूम अवेलेबल है. तो इसमें देखिए मशरूम में कितना हमें विटामिन डी मिल जाता है. जनरली देखिए विटामिन डी हमें 20 माइक्रोग्राम चाहिए होता है. ओके, तो
अगर सिंपल मशरूम व्हाइट मशरूम में लेते हैं तो 0.18 माइक्रोग्राम मिलेगा, जबकि अगर मशरूम को यूवी लाइट में एक्सपोज किया हुआ होगा तो उसमें 23.6 माइक्रोग्राम हमें मिल जाएगा। मशरूम ब्राउन अगर हम लेते हैं तो उसमें 0.08 माइक्रोग्राम है, और मशरूम ब्राउन अगर यूवी लाइट से एक्सपोज होता है तो उसी में 25.52 माइक्रोग्राम हमें मिल जाता है। इसी तरह से मशरूम पोर्टेबेला होता है, उसमें 0.25 माइक्रोग्राम होता है, बट अगर इसी को अगर यूवी लाइट से एक्सपोज कर देंगे तो इसमें 23.9 माइक्रोग्राम विटामिन डी आ जाएगा। और मशरूम एनोकी जो होता है उसमें 0.09 माइक्रोग्राम होता है, बट एंड मशरूम माइटेक जो होता है उसके अंदर 19.7 माइक्रोग्राम होता है, एंड मशरूम ओइस्टर जो है उसके अंदर 0.63 माइक्रोग्राम है, एंड मशरूम शीटेक मशरूम जो है उसके अंदर 0.3 माइक्रोग्राम है। अल्टीमेटली इससे यही बात समझ में आ रही है कि मशरूम को अगर एक्सपोज किया हो यूवी लाइट से तो यहाँ पर जो है अच्छा अमाउंट में हमें विटामिन डी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो नीदरलैंड है हमारे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जनरली फ्रेश मशरूम को यूवी रेडिएशन दी जाती है और वो क्या जनरेट करते हैं, 10 माइक्रोग्राम विटामिन D2/100 ग्राम को जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से विटामिन डी जो है वो भी मिल रहा है मशरूम से। देन देखिए ये एक टेबल मैं आप लोगों के लेके आया हूँ जिसमें कि जनरली क्या है, विटामिन डी के वैसे वेजिटेरियन सोर्सेज काफी कम है, बट जो सोर्सेज मैं आपको शो कर रहा हूँ उसमें क्या होगा कि जैसे सीरियल्स हो गए या मिल्क हो गए, अगर इनको फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा, अगर इनको फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, विटामिन डी का अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए फूड दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया गया है कि अगर वो इसको मैंडेटरी करते हैं फोर्टिफिकेशन को, सभी तरह का जो मिल्क है वो इसमें आ जाती है, होल व्हीट फ्लोर है वो, चपाती जो है वो इसमें आ रही है, मैदा जो है वो भी इसमें आ रही है, तो मैदा से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे पिज्ज़ा बनता है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ब्रेड, बर्गर, बिस्किट, कुकीज, केक्स, नान, ये सब कुछ मैदा से बनता है। इसी तरह से सीरियल्स फ्लोर होता है और इसी के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कॉर्न फ्लोर हो गया, मक्की का जो आटा होता है, कॉर्न स्टार्च हो गया, राइस हो गया और राइस फ्लोर हो गया, अगर इन सबको फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो जो मार्केट में जैसे केलॉग्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं काफ़ी सारे, तो उनमें फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें काफ़ी सारा विटामिन डी होगा, तो वेजिटेरियन सोर्सेज में इस तरह से मिल जाएगा। और जनरली आप सनलाइट पर डिपेंड रहे, सनलाइट अगर अच्छे से लेते रहेंगे तो विटामिन डी की कमी नहीं हो। और कुछ फूड ऐसे भी गवर्नमेंट को वॉलेंट्रीली सजेस्ट किए हैं जिसमें कि मार्केट ओरिएंटेड फोर्टिफिकेशन को सजेस्ट किया गया है, जैसे कि शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ऑयल और फैट्स हो गए, तो यहाँ पर जो दलिया हो गया, सूजी हो गई हमारे पास में, और कैंड फ्रूट जूस जैसे कि ऑरेंज का फ्रूट जूस है उसको फोर्टिफाइड कर दिया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन सभी को अगर फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर इन सभी में वेजिटेरियन सोर्सेज में विटामिन डी मिल जाएगा। तो आप मार्केट में जो प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट होते हैं, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट, नेचुरली हमें ये मिल रहे हैं उसमें विटामिन डी नहीं होगा, बट अगर ये फोर्टिफाइड है तो उसमें विटामिन डी होगा, पर्टिकुलरली मिल्क में, काउ मिल्क में हमें जरूर विटामिन डी मिल रहा। तो ये जो टेबल मैंने लिए इसका सोर्स आप देख लीजिए, ये एक रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था वहाँ से लिया गया है। तो आई होप जो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज मैंने आप लोगों को बताया है विटामिन डी के वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों को वेजिटेरियन विटामिन डी सोर्सेज के बारे में पता लग जाए और वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की तरफ ना बढ़े। जय भारत, जय हिंद।